क्या बात है, स्कूल का इंस्पेक्शन के लिए इंस्पेक्टर आ गए, आप लोग विज भी नहीं कर रहे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे मोटे अंकल। रुक जाइए, हैप्पी बर्थडे मोटे अंकल। बैठो इंस्पेक्टर, आप लोग हैं कौन? हम सब बच्चे हैं। देखिए आप लोग का तो हम मान भी ले, लेकिन आप बच्चे के नाम पे कुछ ज्यादा बुजुर्ग नहीं है। ये बच्चे ही है, हमने 30 साल से देख रहे हैं, ये बच्चे ही है। आपको यकीन नहीं आता? नहीं देखो। अच्छा चलिए चलिए, कोई नहीं, मान लेते हैं। देखिए ओहो कितने प्यारी बच्चे हो, सर पे हो जो चोटी है वो। अरे बेटा आप कौन हो? मैं नर्स हूँ। नर्स? हम आपस में डॉक्टर डॉक्टर खेलते हैं ना, तो उसमें मैं डॉक्टर बनता हूँ, मैं शुरू लाती है, मेरी नर्स बनती है। अच्छा खेलते हैं। ये पीछे जो लड़की बैठी है, आप ये सामने वाले लड़के को ऐसा टुकुर टुकुर क्यों घूर रही हैं? वो मंजिल का रास्ता ही आंखें तय कर रही हैं। अच्छा उसी रास्ते से पत्थर उठा के मारने मैंने मंजिल का रास्ता तय कर। उनका जो भी है, आपको क्यों तकलीफ हो रही है? आप बाप बेटी के बीच में ना बोले। बाप बेटी? हाँ वो। हाँ बाप बेटी जब डॉक्टर डॉक्टर खेलते ना, तो ये डॉक्टर बनते हैं, उनकी बेटी बनती है। अरे क्या बात हुआ, डॉक्टर डॉक्टर के खेल में डॉक्टर होता है, नर्स होती है, कंपाउंडर होता है, मरीज होता है, तो समझ में आया, बेटी कहां से बीच में आ गई। वाह वाह मोटे अंकल वाह, डॉक्टर आ जाए, कंपाउंडर आ जाए, मरीज आ जाए, बेटी आ गई तो सवाल उठाते हैं रेसिस्ट। टीचर आ गई, टीचर आ गई। क्लास 10। गुड मॉर्निंग टीचर। जाम सेट ऑन एवरीवन। And you? Why are you standing? Go sit on a seat, otherwise I'll beat. Go. अरे hey hey, हम कोई student नहीं है, हम यहाँ पर inspector हैं, आपको grand sanction करने आए हैं। Oh, तो दे दीजिए, myself teacher. आपको शर्म नहीं आती? आप टीचरों के इतना लेट आई हैं अपने स्कूल में। हेलो, स्कूल में घड़ी नहीं है ना, इसलिए टाइम को पता नहीं चलता है। और आपके हाथ में तो घड़ी है ना? नहीं नहीं, ये तो मेरे घर की घड़ी, घर तो मैं टाइम से पहले ही पहुंच जाती हूँ। खैर आप खड़ी क्यों है? नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। फिलहाल पढ़ाई कीजिए, चलिए बैठ जाइए। चलिए आप लोग हमें बताइए, चंगेज खान हिंदुस्तान क्यों आया था? चंगेज खान आया था भारत? आया नहीं, वो नहीं आया जी। नहीं आया था? मन बना था उसका, फिर बाद में चेंज हो गया। हमें हमेशा ऐसा क्यों लगता रहा कि वो आया था? वो न्यूजीलैंड वगैरह गया होगा। सबसे पहले आप हमारा जवाब दीजिए सवाल का, ये बताइए कि प्लासी की लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली का कितना हाथ था? इतना। इतना क्या क्या सिखाया आपने इन्हें? मैंने ये सिखाया तुझे? मैंने ये सिखाया? मैंने सिखा था इतना हाथ है, इतना। इतना था। मैडम मुर्गा खड़ा हो गया। ये तो ये आपको बताया, पिछली बार इसने अंडा भी दे दिया था और इन्होंने आमलेट बना के खा भी लिया था। अरे बाद में पता चला भी मुर्गा तो अंडा देता ही नहीं। Keep quiet. You keep quiet. Carry on, carry on. तो क्या उलझल सिखा रही हैं आप बच्चों को? अरे तो क्या उलझल को बच्चे सिखा दूं मैं? छोड़िए ना, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं, बताइए कुछ लेंगे आप? हाँ एक चाय पिला दीजिए अगर पिला सकते। अभी लेकर आ। ए रुकिए रुकिए। चलिए बताइए कि भारत में कितने राज्य हैं? 12 राज्य हैं। 12 राज्य? हाँ जी। 12 नहीं 29 राज्य। 12 मैंने बताए, बाकी के 22 ये बताएगा ना? अरे अगर बाकी क्या बताएगा भी तो 22 क्यों बताएगा, 22 और 12 तो 34 हो गए ना। आप हिस्ट्री पूछने आए कि मैथ्स पूछने आए हैं? हिस्ट्री की बात हो रही है, ज्योग्राफी की बात हो रही है, वो बात कर रहे ना आप? आप लोग में से बताइए कि माय बेस्ट फ्रेंड के ऊपर निबंध कौन सुनाएगा? लॉटरी इज माय बेस्ट फ्रेंड। माय बेस्ट फ्रेंड इज लॉटरी। माय बेस्ट फ्रेंड इज लॉटरी। मेरी फ्रेंड है। लॉटरी मेरी फ्रेंड है, तू क्या बीच में आ रहा? मैं तेरे भी मार देना एक। अरे भाड़ में गई माय बेस्ट फ्रेंड। मैंने पेज खाया। भाड़ में गई माय बेस्ट फ्रेंड।
आप लोग में से कौन हमें बताएगा कि बल्ब की खोज किसने की? बेटा आप करली हेयर वेरी फेयर बताइए। किसी ने तो की थी, पता नहीं चला प्रॉपर। क्यों पता नहीं चला? वो एक्चुअली सर ना उधर अंधेरा बहुत था, तो जब लाइट आई तब पता चला कि कोई खोज करके निकल गया, बता के नहीं गया। व्हाट अ लवली आंसर, व्हाट अ लवली आंसर, वेरी नाइस। अंकल जल्दी जल्दी ग्रांट दे रहे हो, हमारे पास टाइम नहीं है। अच्छा चलिए मान लेते हैं, मान लेते हैं कि हम आपको ग्रांट दे दें। क्या करेंगे आप ग्रांट? सर हम कंप्यूटर लगवाएंगे। ओहो आपको कंप्यूटर चलाना आता है? लो सर मैं दोनों हाथ छोड़ के चला लेता हूँ। उसको कंप्यूटर नहीं स्कूटर कहते हैं। मुर्गा बन गया वापस, मुर्गा बन। बुजुर्ग बच्चा आप बताइए, राम क्रिकेट खेलता है, इसका फ्यूचर टेंस क्या है? देखो जी राम अगर अच्छा खेलता तो फिर उसने आईपीएल में आ जाना। कैसी बातें कर रहे हैं ये? कृषि प्रधान बातें कर रहे हैं और कुछ नहीं बस। देखिए आप इसे खेती बाड़ी के बारे में सवाल कीजिए ना, जैसे कि मतलब सो इन सो। हाँ तो चलिए ठीक है, खेती बाड़ी का सवाल पूछ लेते हैं। हमें एक बात बताइए, अगर चार आदमी 5 दिन में एक खेत को जोतते हैं तो 3 आदमी उसी खेत को कितने दिनों में जोतेंगे? वो बिल्कुल नहीं जोतेंगे। क्यों? क्योंकि वो तो बेचारे टेंशन में होंगे ना, चौथा आदमी आया क्यों नहीं। इतने साल से कोई साथ में खेत जोत रहा है यार, उसकी ये तो सोचो यार इमोशनल, उसको टेंशन नहीं होगी क्या? अच्छा ए, रुक जाइए जरा, आप जरा बताइए कि आपको और क्या आता है? ये ड्राइंग बहुत अच्छा कर लेती है। नहीं ये झूठ बोल रहे हैं। नहीं नहीं शर्माओ मत, बनाओ बनाओ, ये डायनासोर अच्छा बना लेती है। हाँ तो बनाइए बनाइए ना, डायनासोर बनाती है, बनाइए बनाइए। ये लीजिए, इधर इधर बना सकती हैं आप। तुम चाहती हो मैं आऊँ तुम्हारे साथ? नहीं कप्पू तुम बैठो यहाँ पे, वहाँ पे तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, डायनासोर है ना। क्या बात है, ये तो अंडा है। हाँ तो डायनासोर अंडा के अंदर है ना। खैर अब मान लीजिए चंदू के पास 100 रुपए हैं। अरे मेरे 20 रुपए वापस कर। तेरे पास कहाँ से है पैसे? मेरे 20 रुपए वापस कर। मेरे पास नहीं है पैसे यार। इतना मोटा आदमी झूठ बोल सकता है? नहीं है सर उसके पास, डिब्बे देखी है मैंने, है नहीं। मोटे अंकल ये सारे के सारे बच्चे पागल हैं आप। अरे आप बच्चे से दूर रहिए, गिर गए तो दब जाएंगे वो। अरे क्या दब जाएंगे? ये हमारी पीटी टीचर है। अच्छा पीटी टीचर हैं आप, अच्छा अच्छा। आपको पीटी के बारे में क्या पता है? क्या पता है बताइए बताइए। पीटी क्या पता हूँ पीटी? हाँ मैं बहुत पीटती हूँ सच्ची। कल मंदिर के बाहर पीटी थी मैं, उस दिन लोकल ट्रेन में पीटी थी। दरअसल क्या ना मैं पीटी वुमन हूँ ना, तो इसलिए मैं बहुत पीटती हूँ। चलो बच्चों पीटी का वक्त हो गया, सब मेरे साथ पीटी कराओ। बच्चन साहब पीटी करेंगे, 1 2 3 है पीछे है आगे है पीछे चेंज शाहरुख पीटी है सनी देओल ऋतिक रोशन। बच्चों में तैयार होकर आती हूँ ठीक है? देखिए आपके बच्चे जो हैं मजेदार तो हैं, मानना पड़ेगा। जी जी। तो लीजिए जो ग्रांट आप लोगों के स्कूल की बनती है वो हम आपको दे ही देते हैं। ये लीजिए 735 रुपए। ये तो 25 लाख थी ना ग्रांट, तो 25 लाख की बात हुई नहीं। हाँ तो 25 लाख है, लेकिन स्कूल भी तो इतने सारे हैं हिंदुस्तान में, 3,500-4,000 स्कूल है, सब में डिवाइड होता है। आपके स्कूल के नाम पे 800 आया था, बाकी हम ऑटो में आए खर्चा हो गया 65 रुपए, तो 735 बचे ले आए। आपको पता है हमारे स्कूल बैग कितने के आए हैं ड्रेसेस मिला के? कितने? अच्छा चलो छोड़ो इन बातों में, हम लोग अपना काम करते हैं। वेट हेयर आई विल गो नाउ। आप ये आधा घंटा मुर्गा बनाऊ मैं तो आप क्या कर सकते हैं, लेकिन ये पूरे 735 आपके हैं।
और यहाँ पे फ्री का डांस देख लिया, 700 रुपए का डांस नहीं है मेरा। अरे ये सब क्या है? अरे रुकिए, नहीं नहीं ये तरीका नहीं है। अरे टीचर, नहीं 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 ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। अरे रुकिए, वेलकम। थैंक यू। कैसे हैं आप? अच्छे। हाउ आर यू? गुड। आपका हमारे शो में सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। आप प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए प्लीज। आप हमारा शो देखते हैं? हाँ। हैं? पक्का? हम तो फैन हैं आपके। अरे थैंक यू ब्रदर, पर हम आपके फैन हो गए हैं। इस फिल्म को देखने के लिए लोगों ने मजबूर किया कि आप इस फिल्म को देखने जाओ, और मैं देखने गया। हालांकि मुझे मराठी अच्छी लगती है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आती है। 2-4 मिनट के लिए वो फिल्म आपको लगेगा कि वो मराठी में है, उसके बाद आप सबकी हो जाती है। आपको बहुत बहुत बधाई, आपने बहुत अच्छा काम किया। आर्ची और प्रशा, 2 महीने पहले तक आपको आपके परिवार वाले, आपके यार दोस्त ही जानते थे। आज मैंने सुना आप बिना बाउंसर्स के बाहर नहीं निकल सकती पूरे महाराष्ट्र में। तो आपकी लाइफ में क्या चेंज आया है? बदलाव तो बहुत आए। पहले मैं यहाँ वहाँ घूम सकती थी। एक्चुअली मुझे पानीपुरी बहुत पसंद है, तो मैं इसे पानीपुरी खाने जाती थी। तो अभी हम गाड़ी में से कहाँ जा रहे हैं और बाजू में पानीपुरी है, तो हम मैं कहती हूँ सबको मुझे खानी है, तो सब कहते हैं तू यहाँ रुक, हम तुझे गाड़ी में ला के देते। तो बहुत ऐसे मैं कहाँ घूम नहीं सकती, जहाँ जाती हूँ वहाँ लोग पीछे पीछे आ रहे हैं, आर्ची आर्ची 20-30 किलोमीटर फॉलो कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा भी लगता है, और कभी कभी लगता है अरे मैंने क्यों फिल्म की। आकाश, तो आपकी लाइफ में क्या चेंज है? पर्सनल लाइफ में बहुत चेंजेस आए। मैं अभी जैसे पहले घूमता था बाहर, से बंद हो गया पूरा। अच्छा। फ्रेंड्स के साथ मस्ती करता था, वो भी नहीं करने मिल रही मुझे। अभी बाहर निकलता हूँ तो सिक्योरिटी गरज गरज पर रहे। कमाल हो गया यार, आप लोगों ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी एक्चुअली। फिल्म में दिखाया कि आर्ची बहुत अमीर फैमिली से है, इनके घर में नौकर चाकर और जमीन और ढेर सारे फार्म हाउस, लेकिन फिर कुएं पे नहाने क्यों जाती थी गांव वाले में? मन करता था। मन करता था, और तुम्हारा तो मन करेगा बिकॉज वो नहाने के लिए। मेरा मन करता है कुएं पे। तो तैरना आपको पहले से आता था कि फिल्म के दौरान सीखा आपने? नहीं, मैं स्विमिंग पूल में ऐसे नीचे से जाती थी। अच्छा। टाइम मुझे कहा कि तुम्हें ऊपर से कूदना है पहली बार, तो मैंने कहा नहीं। फिर पता चला कि कुछ भी करो कूदना है, तो कूदी। फिर कूद गई। कूद गई। टेक्निक होती है एक्चुअली स्विमिंग पूल में कूदने की भी। डाइव मारनी अगर आपको, तो आपको तरीके से डाइव मारनी होती है। हमारे जैसे पागल होते कई बार ना गांव में, सीधा ही ऐसे ही कूद जाते हैं। तो ये भी नहीं सोचते कच्चा फट सकता है, कभी कभार खुला अंडरवेयर जो पहना रहता है। अच्छा, कई लोग तो जो सीधे मारते हैं उनका तो ऊपर चढ़ के ऐसे मुंह पे आ जाता है। तो कई लोग क्या करते हैं, जो सीधा डाइव मारते हैं ना, वो फिर अंदर निकल के कच्चा अलग तैर रहा है, आदमी अलग तैर रहा है, कच्चा अलग तैर रहा है, फिर वो अंदर ही अंदर पानी में ढूंढते हैं कहाँ है, फिर उनको दिखता है ना, फिर उसको पकड़ के फिर तो यार मतलब गांव की स्विमिंग तो मजेदार होती है। हमारा ऐसा कभी नहीं हुआ। आपके साथ ऐसा नहीं? कभी नहीं। आप टाइट वाला पहनते होगे ना? के पहनते नहीं। अच्छा, इस फिल्म के हिट होने के बाद ना आर्ची और प्रशा को बड़ा अच्छा बोनस भी मिला, तो हम ये नहीं पूछेंगे क्या क्या मिला, पर क्या खरीदना चाहोगे आप उस पैसे से, पहले आप बताओ। आर्ची को सोचने का टाइम दो, क्योंकि उसके मन में लड़की है ना, शॉपिंग चल रही होगी कुछ और लंबी लिस्ट। आपके बाद देर से आता हूँ, आप बताओ आप क्या करोगे? बहुत कुछ करूँगा वैसे तो, मतलब एक तो वो जिस कॉलेज में पढ़ रहे हो वो खरीद लो, मैं कहता हूँ। इतना बड़ा भी नहीं कुछ खरीदना मुझे। अच्छा, इतना भी बोनस नहीं मिला है। क्या करेंगे फिर? बेसिकली छोटा सा घर करूँगी खुद का। ओके। गाड़ी होगी बस। हाउ स्वीट यार, बड़ा अच्छा लगता है जब आप इतनी मेहनत करते हैं और उसका फल मिलता है, तो ये तालियां बनती हैं इस बात के लिए। आप क्या करेंगी आर्ची? नहीं पता। हैं? नहीं पता। गिने के ऐसे ही पड़े हुए हैं? ये बताओ पहले, देख लेना कोई फटा नोट ना निकले बीच में, चेक कर लेना। नहीं, नहीं सोचा कुछ नहीं है। किताबें खरीदी हैं अभी 10वीं की। पहले तो किताबें खरीदेगी, 10वीं में गई अभी। तो ऐसा कोई प्लान नहीं है? नहीं। उनका नाम असली तानाजी है? तानाजी है। पूरा नाम क्या है तानाजी? तानाजी चंगदेव गळगुंडे। तानाजी? तानाजी गळगुंडे। 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 मुझे इतनी हंसी आई, एक एक सीन था फिल्म में जब ये तानाजी कैरेक्टर में, इनका नाम प्रदीप है, ये किसी लड़की पे लाइन मार रहा है और इतना ब्यूटीफुली इसने बंदे ने परफॉर्म किया है, वो लड़की ने ना कागज फेंकती है, ये खुद ही फील कर जाता है। और पूरी फिल्म में ये धीरे धीरे करके कागज को
कैसे आगे ले जा ले जाके पूरा अंदर से की एक लड़की बाद में खोलता है लड़की ने नाखून काट के फेंके होते हैं। मुझे वो मैं हंस हंस कर मर गया सर वो सीन देख के। मैं गांव में बहुत मतलब वो शादियां होती है ना शादी में नाचता हूँ मैं बहुत। अच्छा मुझे पहले से शौक था। तो आपको भी शौक है नाचने का? हाँ, तो अपने दिल से नाचने का शौक है? हाँ। इतना नाचने का शौक है फिल्म में एक सीन है ट्रेन निकल रही है उसकी आवाज पे नाच रहे हैं। अच्छा वो सीन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक बार दोबारा आप लोग देखना चाहेंगे वो ट्रेन की आवाज से। मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज एक बार वो यहाँ पे रिक्रिएट किया जाए यार। जी मैडम। हाय एवरीवन। हाय। मेरा क्वेश्चन आकाश के लिए है। आकाश मारा तो खूब बस क्यूट वाट तो। मुझे भी समझा दो क्या बोल रही हो? कपिल एक्चुअली मैंने कहा कि मुझे वो बहुत क्यूट लगता है आकाश। तो क्या अंदर झुंझुनी सी होती है ऐसे? क्योंकि सडनली ऐसे क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए लोगों ने। तो क्या फील हो क्या अभी कैसा फील कर रहे हो आकाश? अंदर से नाच रहे हो अभी मैं। अंदर से नाच रहे हो? जी। तो आज क्या सवाल पूछा? तो क्वेश्चन ऐसा है कि तुझे कौन गर्लफ्रेंड आए का? आपकी कोई गर्लफ्रेंड है ये तो मुझे समझ लग गया। ये शरारती नॉटी चीजें होती ना ये भाषा इसमें बैरियर है ही नहीं मैं सब समझ में आता। तो जी नहीं माजी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है सिंगल है सध्या मैं सिंगल हूं। सिंगल हो? चलो ये तो हुआ झूठ अब सच सच बताओ सीरियसली मग माझ्यासाठी काही स्कोप लाईन मारू शकते? आपकी शादी नहीं हुई अभी? नहीं नहीं हुई। तो आप क्या सायराट की वेट कर रही थी? तो भाई रिश्ते आने शुरू हो गए अभी से। शर्मा गया वो। तो आप अभी हाँ सुन के बैठेंगी क्या? कैसा मतलब? सर आपने सलाह क्या दिया कि आई विल कॉल यू? सर आपको बोलना चाहिए बच्चा यानी छोटा बच्चा ये मैं बड़ा हूँ तजुर्बे वाला हूँ आई विल कॉल यू लेटर। नहीं नहीं आप ये सच्ची में सलाह दे रहे हैं कि आप अपनी भड़ास निकाल रहे हैं? मुझे नहीं बोला तो मैं ऐसे। हाय एवरीवन माय नेम इज किरण एंड आई एम फ्रॉम मुंबई एंड मेरा सवाल रिंकू मैम से है। जी आपने मूवी में तो अक्षय को बड़े कॉन्फिडेंटली आई लव यू बोला था आकाश को। आकाश को सॉरी। तो ऐसा है कि मैं भी किसी को लाइक करती हूँ पर मैं उसको बोलने में हिचकिचाती हूँ तो क्या मुझे सिखा सकती है कि कैसे कॉन्फिडेंटली बोलना चाहिए? कैन आई जॉइन? आपके बॉयफ्रेंड का नाम क्या है? वो यहीं पे है मैं उसे कहूंगी इट्स फर्स्ट टाइम। काय होतं अर्चे मला तुला आवडतं? मला पण तो आवडतो। काय मराठीत सांगितलं कळत नाही इंग्लिश मध्ये सांगू आय लव यू। ठीक आहे अब मैं जिसको लाइक करती मैं उसे कहूंगी हाँ क्या? ओ मेरी बात सुनो पहले कपिल आई लव यू। हाउ स्वीट थैंक यू सो मच थैंक यू यू आर सो स्वीट थैंक यू। जी मेरा क्वेश्चन अजय अतुल जी से है। जी इन्होंने बहुत सारे सॉन्ग गाए हैं लेकिन ये ऐसा कोई सॉन्ग कंपोज कर सकते हैं जिससे कि मेरे हस्बैंड उठ के घर का काम करने लगे? ऐसा कोई गाना होता है भाई? नहीं। कोई ऐसा राग होता है? ऐसा गाना अगर हम लोग बनाएंगे तो हमारे घर पे वो गाना नहीं चलेगा। Oh my God! My favorite guest आए हुए। Hi, hello अतुल जी, hello, hi रिंकू, hi आकाश, hello नागराज जी, hello, hello, hi। ऐसे दिखा रहे जैसे इसे पता नहीं था आ रहे हैं। ये ना एक्चुअली मेरे बहाने गेस्ट को मिलने आती है तुम सब मेरे को पता है। नहीं तुम गलत समझ रहे हो कप्पू मैं तो गेस्ट के बहाने तुमसे मिलने आ जाती हूँ। अरे सच बोल रही हूँ मैं
पता है रिंकू और आकाश, कप्पू और मेरी लव स्टोरी भी ना बिल्कुल तुम्हारी फिल्म जैसी है, बिल्कुल। किस तरीके से? मतलब वो फिल्म में विधायक की बेटी है, ये नालायक की बेटी है, इनके पिता ने कैसे? कप्पू इनसे कुछ सीखो, 18 साल की उम्र में इन्होंने भाग के शादी कर ली, और एक तुम 28 साल के हो गए फिर भी शादी से भाग रहे हो। तुम सीखो कुछ उनसे, 15 साल की बच्ची कुएं में छलांग लगा रही, ये बाल्टी में डूब जाती है सर। तुम सीखो ना, आओ बैठो इधर, आओ आओ। अरे आज साड़ी पहन के आ गई, अपने आप को मराठी लड़की बना रही, बैठ। हाँ तो क्या पता इसी बहाने मुझे भी कोई मराठी फिल्म मिल जाए, है ना? अच्छे पहले कोई पंजाबी फिल्म की है? सर, I know, but... भाई मजा आ गया, आहा, गर्मी में पसीने से नहाने का मजा ये लग है। अरे नाइस पापा। छेड़े लाल तुम मेरी बेटी को छेड़ रहे हो, हमेशा तुम्हारा काम है। खड़ी हो जा, खड़ी हो जा, चले अंदर, आसपास नजर नहीं आनी चाहिए मुझे तुम। मैं कह रहा हूँ चल अंदर, आ चल चल अंदर, चल 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 अंदर। माशाल्लाह डॉक्टर मशहूर गुलाटी, ये हमारे बहुत ही डिसरिस्पेक्टेड डॉक्टर है। डॉक्टर साहब खड़े क्यों, बैठिए इधर, बात करिए, हमारे गेस्ट आए हैं। ऐसे कौन इज्जत देता है भाई? यू नो मैं भी घर से भागा था, मैंने भाग के यू नो शादी वगैरह की थी। डॉक्टर साहब वो उनका चक्कर और है, वो प्यार करते थे इसलिए भागे थे। आप और आपकी बीवी तो सामान लेके भागे थे ना गाँव वालों का, आपका डिफरेंट है। आपको पता है थाने में कम से कम 20 दिन छुप के रहे थे हम। थाने में छुपे नहीं थे, अरेस्ट हुए थे आप। उसमें मार भी पड़ते हैं, उल्टा लटका के मारते हैं। हाँ तो फिर अरेस्ट हुए थे, ठीक। बट एनीवे आप दोनों में नेचुरल एक्टिंग बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छी एक्टिंग की आपने भी, दोनों ने बहुत अच्छी एक्टिंग करी। बट एज अ डॉक्टर मैं आपका स्किन टेस्ट करना चाहूंगा। अब मुंह से निकल गया, सॉरी, स्क्रीन टेस्ट। प्लीज स्टैंड में हो जाएं आप। थैंक यू सो मच फॉर द एलोपैथी ऑफ द होम्योपैथी। कम हियर, यू कम हियर। आँख खोलो। ओके, मैं आप दोनों को एक, आपके तो पहले बहुत ज्यादा खुली हुई है। इधर आइए, मैं आप दोनों को एक स्टोरी सुनाऊंगा। क्या आप लोग इन्हें देख पा रहे हैं? हाँ। आपकी आंखें ठीक है, आपका आंख आई टेस्ट हो गया। आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल। आप देख पा रहे हैं? झूठ बोल रहा है, मेरे को नहीं पता पीछे बैठ के कैसे देख पाएगा तू। इट्स जस्ट बीइंग नाइस। तो ठीक है, मैं आप दोनों का टेस्ट करता हूँ। आर यू रेडी? ओके, कहानी में जैसे जैसे मैं बोलूंगा आप लोगों को उसकी इनेक्टमेंट करनी है। सुहागरात का सीन चल रहा है। कोई बात नहीं, सीन है। अपना थोड़ा सुहागरात का सीन चल रहा है तो लाइटिंग ऐसे ऐसे होती है थोड़ी थोड़ी। सुहागरात का सीन चल रहा है, बरसात नहीं गिर रही जो आप ऐसे कड़क कड़क कर रहे हो। घूंघट उठाने से पहले सुहागरात का सीन चल रहा है, इतने में गुंडे आ जाते हैं। फेस पे लाओ, गुंडे आ गए, गुंडे आ गए। उनको हंसी आ रही है। सर्कस के जोकर नहीं आए हैं, गुंडे आए हैं। थोड़ा सा ऐसा डरना है। स्टोरी तो सुनाओ उनको आगे, क्या फिर क्या होता है? एक गुंडे आ जाते हैं, भी स्टोरी फिर यही है। स्टोरी यही है, ऐसे घुंघरू उठाने जा रहे हैं। घुंघरू उठाने जाओ यार। माता ही है जो। साहब सिर से यार, वहां पे इतना रोमांटिक माहौल बना हुआ है। हाँ जी, तो आप घूंघट उठा रहे हैं, साथ साथ एक्टिंग करते रहिए आप, हैं? चल लव कर, लव कर। चल भी, अभी चल रहा है सीन। गुंडे आ गए। मेरा मामा नहीं आया, डर गया ऐसे। गुंडे आ गए, आवाज से डर गया मैं। गुंडे आ गए, गुंडे आ गए। फिर आपको देखकर हंसी, आपने ठीक किया, उनको लगा हम पकड़े गए। ऐसा ये क्या स्टोरी है, कैसे एक्टिंग करेगा कोई? मैंने 1953 में लिखी थी।
तभी मैं कहूँ इसके ऊपर पिक्चर क्यों नहीं बनी अभी तक. You have enough Bollywood angle and God bless and the best of luck. English khatam. Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates